हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीदीमन। तो देखिए, हम लोग अधिगम कर रहे थे और जिसमें हमने लास्ट वीडियो में थॉर्नडाइक की थ्योरी कर ली थी। अब हम नेक्स्ट थ्योरी करेंगे शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, पैवलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग रिस्पॉन्स थ्योरी। ठीक है, तो इस थ्योरी को अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं, सी आर थ्योरी भी कहते हैं। सी यानी कंडीशनिंग और आर यानी रिस्पॉन्स। ठीक है, तो सी आर थ्योरी भी कहते हैं और पैवलोव जो है इनको कंडीशनिंग का जो है पिता या जनक भी माना जाता है। तो जो पैवलोव है, इन्होंने 1904 में कुत्ते में जो नाड़ी तंत्र है, पाचन तंत्र है, शारीरिक संरचना के शोध के आधार पर जो है नोबेल पुरस्कार से इनको सम्मानित भी किया गया था। ठीक है, तो चिकित्सा के क्षेत्र में ये इन्होंने प्रयोग जो है वो किए थे। इनका जो प्रयोग रहा, जो कि फेमस था, कुत्ते पर इन्होंने प्रयोग किया था और पैवलोव ने कुत्ते की जो पैरोटिड ग्लैंड जो है उसका ऑपरेशन करके जो है लार इकट्ठा किया था। ठीक है, तो उसी पर इनका प्रयोग जो है वह है जो कि हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो इनका जो पूरा नाम है वह है इवान पेट्रोविच पैवलोव, जो कि एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो इनका पूरा नाम आप याद रखें। ये जो है एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे, ये भी याद रखें। थॉर्नडाइक जो कि अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे, 1904 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था चिकित्सा का। फादर ऑफ कंडीशनिंग, अनुबंधन के पिता जो है इनको कहा जाता है। पैवलोव के सिद्धांत को, जो इनका सिद्धांत है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, इसको शिक्षा में लाने का श्रेय जो है जाता है एंडरसन को। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखें कि पैवलोव का जो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है इसको शिक्षा के क्षेत्र में कौन लेकर आए, तो ये श्रेय जाता है एंडरसन को। वहीं देखिए, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत जो है, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं इसे, सी आर थ्योरी, कंडीशनिंग रिस्पॉन्स थ्योरी भी कहा जाता है, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है, शास्त्रीय अनुकूलन का सिद्धांत, अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत या संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत जो है इसको कहा जाता है। ठीक है, और याद रखें थॉर्नडाइक की जो थ्योरी हमने देखी थी तो उसमें हमने जो उपनाम पढ़ा था वह था बंध सिद्धांत और ये है संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। तो यहाँ तक आपको ये चीजें समझ में आई। अब देखिए, इनका जो प्रयोग रहा, फेमस प्रयोग जिसके लिए इन्हें जो है पुरस्कार मिला नोबेल पुरस्कार, तो इन्होंने कुत्ते पर किया। तो पैवलोव ने कुत्ते की जो है लार ग्रंथि, इस पर प्रयोग किया। कुत्ते को जो है एक जगह बांध दिया और उसके सामने जो है भोजन रख दिया, तो उस भोजन को देखते ही जो है उसके मुंह में लार आ गई, जो कि क्या थी, एक स्वाभाविक अनुक्रिया थी। भोजन को देखकर मुंह में लार तो आनी ही थी। तो एक दो बार जो है पैवलोव ने ऐसा ही किया, भोजन रखता और उसके मुंह में लार आ जाती। अब उसने इसमें जो है वो चेंजमेंट किया, क्या किया कि अब जो है भोजन नहीं रखा, सबसे पहले घंटी बजाई। ठीक है, घंटी बजाने पर वो केवल चौंका, लार नहीं आई, केवल चौंका। ठीक है, लेकिन घंटी के साथ जो है जब भोजन दिया गया तो उसके मुंह में लार आ गई। तीन चार बार इस चीज को दोहराया गया, घंटी बजती, भोजन साथ में दिया जाता और मुंह में लार आ जाती। तो कुत्ते ने जो है वो अनुबंधन कर लिया घंटी के साथ कि अब घंटी बजेगी तो ही मुझे भोजन मिल जाएगा। तो जो चीज भोजन के साथ उसके पहले हो रही थी, भोजन को देखते ही लार आ रही थी, अब उसका स्थान घंटी ने ले लिया और घंटी को सुनते ही उसके मुंह में लार आ जाती। ये था अनुबंधन। ठीक है, तो जब कुत्ते को पहले खाना दिया गया था तो लार प्राप्त हुई और उसने भोजन खाया, फिर घंटी बजाई गई, खाना दिया गया, फिर लार आई और तीन चार बार ऐसा किया गया तो उसने घंटी के साथ अनुबंधन कर लिया। ठीक है, अब केवल घंटी बजाई जाती तो उसके मुंह में लार आ जाती, अर्थात तो भोजन जो स्वाभाविक क्रिया थी उसका स्थान जो है किसने ले लिया, उस घंटी ने ले लिया। तो घंटी से जो है अब कुत्ते ने अनुबंधन कर लिया। तो यहाँ पर अनुबंधन के जो तत्व हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, UCS, UCR, CS और CR। तो UCS की फुल फॉर्म देखिए, अनकंडीशन स्टूमुलस। यहाँ पर बच्चे जो हैं वो बहुत कंफ्यूज होते हैं, यहाँ बहुत आसानी से इस चीज को समझिए। स्वाभाविक जो उद्दीपक है वो क्या है, भोजन है। ठीक है, यानी कि स्वाभाविक की इंग्लिश क्या होगी, जो कंडीशन नहीं होगा। ठीक है, अस्वाभाविक नहीं होगा तो क्या है, स्वाभाविक उद्दीपक है। ठीक है, कंडीशन क्या होता है, कंडीशन यानी कि उसे बांध देना उस चीज में। तो भोजन जो है क्या है, अनकंडीशनल स्टूमलस है। ठीक है, अनानुबंधित या स्वाभाविक उद्दीपक। और यूसीआर, आर का मतलब है रिस्पॉन्स,
अनकंडीशन रिस्पॉन्स, अनानुबंधित या स्वाभाविक अनुक्रिया। तो जो फर्स्ट टाइम भोजन दिया गया था तो उस टाइम भोजन क्या था? स्वाभाविक उद्दीपक था, और उसको देखते ही जो लार आ गई थी वो क्या थी? स्वाभाविक अनुक्रिया। तो ये दोनों चीजें आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। स्वाभाविक का मतलब होता है अनकंडीशन, ठीक है, उद्दीपक यानी स्टोमलस, ठीक है। और यहां पर बच्चे क्या करते हैं, अनुबंधित कर देते हैं इसको। अनुबंधन जो है वो घंटी के साथ हुआ था बाद में, ठीक है। तो ये क्या है इस वक्त? अनानुबंधित उद्दीपक है। फिर देखिए सीएस है कंडीशन स्टोमलस। अब कंडीशन यानी अब अनुबंधन जो होता है उसका किसके साथ? घंटी के साथ। तो यहां पर कंडीशन स्टोमलस अनुबंधित या अस्वाभाविक उद्दीपक क्या है? घंटी है, ठीक है। शॉर्ट में इसको लिखा गया है सीएस। दूसरा देखिए सीआर, इस सीएस को देखकर जो रिस्पॉन्स हुआ कंडीशन रिस्पॉन्स, उसको हिंदी में लिखा गया है अनुबंधित या अस्वाभाविक अनुक्रिया। तो यहां पर आप केवल इनको याद रखें, यूसीएस और यूसीआर, उसी का अपोजिट आप ये याद रख पाओगे, क्योंकि बच्चे यहां पर बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं अनानुबंधित है या अनुबंधित है। तो याद रखिए अनुबंधन घंटी के साथ जो है हुआ था बाद में, ठीक है, तो वो कंडीशन स्टोमलेस है। और अनकंडीशन स्टोमलेस यानी स्वाभाविक उद्दीपक क्या है? वो भोजन है जिससे कि स्वाभाविक अनुक्रिया कुत्ते ने की थी, उसके मुंह में लार आया था। अब देखिए सबसे पहले क्या हुआ था, उद्दीपक की प्रकृति देखिए और अनुक्रिया की प्रकृति। अनुबंधन से पहले जब अनुबंधन नहीं था, जैसे ही भोजन दिखाया गया, भोजन यानी अनकंडीशन स्टूमलस, जैसे ही दिखाया गया तो अनकंडीशन रिस्पॉन्स जो है वो देता है, लार आती है, ठीक है। फिर जो है घंटी की ध्वनि, घंटी क्या है? एक कंडीशन है। और कंडीशनिंग स्टूमलस जो है उसके सामने जब रखा जाता है, जब उसे सुनाया जाता है, जो कि क्या है, एक कृत्रिम उद्दीपक है, ठीक है, तो कुत्ता जो है वो चौंक जाता है, लार की अनुक्रिया नहीं होती। ये था अनुबंधन से पहले की क्रिया। फिर अनुबंधन किया गया। अब अनुबंधन में मैंने आपको क्या बताया, यहां पर घंटी के साथ भोजन दिया गया, ठीक है, सी एस कंडीशनिंग स्टूमलस के साथ अनकंडीशनिंग स्टूमलस जो है वो दिया गया। तो यहां पर लार जो है वो कैसी आएगी? स्वाभाविक आएगी। क्यों आएगी? स्वाभाविक यानी अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स, अनानुबंधित अनुक्रिया। क्यों आएगी? क्योंकि भोजन का स्थान जो है वो अब किसने ले लिया? घंटी ने ले लिया है। घंटी की ध्वनि जैसे ही बजती थी उसके मुंह में लार आ जाती थी। लास्ट में कुत्ते के साथ क्या हुआ कि केवल घंटी बजाई गई, कंडीशनिंग जो स्टूमलस है वह केवल उसके सामने सुनाया गया, तो यहां पर रिस्पॉन्स भी जो है उसने दिया। इस सीएस के लिए जो है रिस्पॉन्स क्या आया? यहां लार जो है उसके मुंह में आई। तो यहां जो सबसे पहले हमने देखा जो भोजन था यूसीएस, जिससे यूसीआर आ रहा था, वो अब उसका स्थान घंटी ने ले लिया। घंटी जो कि एक कंडीशनिंग स्टूमलस है, और इससे क्या आया? लार आई, ठीक है। तो इस प्रकार जो है कुत्ते ने जो है घंटी के साथ अपना अनुबंधन कर लिया। तो ये तो इनकी थ्योरी थी। उसके बाद देखें विलोपीकरण या विलीनीकरण। जब अनुबंधित उद्दीपक को, यानी याद रखें घंटी को, अनानुबंधित उद्दीपक के अभाव में, मतलब जो भोजन पहले दिया गया था वो अब नहीं दिया गया, उसके अभाव में यदि बार बार प्रस्तुत किया जाएगा, घंटी के साथ भोजन यदि नहीं दिया जाएगा, तो कुछ समय के बाद अनुकूलित अनुक्रिया प्रकट होना जो है वो स्वतः ही बंद हो जाएगी, ठीक है, जिसे विलोपीकरण कहा गया। जो मैंने आपको समझाया था कि यदि केवल जो है घंटी बजाई जाए, अब भोजन नहीं दिया जाए, तो कुत्ता जो है वो समझ जाएगा कि यहाँ अब मुझे भोजन नहीं मिल रहा है, केवल घंटी बजाई जा रही है, तो इससे क्या होगा? विलोपीकरण हो जाएगा, ठीक है। जैसे जब कुत्ते के सामने बार बार सिर्फ घंटी ही बजाई जाए और भोजन ना दिया जाए, तो धीरे धीरे सिर्फ घंटी बजने पर ही लार आना बंद हो जाएगा। तो ये इनकी थ्योरी है, जो कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। स्वतः प्रकटीकरण, जब अनुकूलित अनुक्रिया का विलोपीकरण हो जाता है और उसके बाद यदि एक बार फिर दोबारा से अनानुबंधित उद्दीपक यानी भोजन और अनुबंधित उद्दीपक यानी घंटी, उसको दोबारा एक साथ प्रस्तुत की जाए,
किया जाए तब अनुकूलित अनुक्रिया पुनः प्रकट हो जाती है। यदि कुत्ता ये समझ जाए कि घंटी बजने पर जो है अब उसको भोजन नहीं मिल रहा है, लेकिन दोबारा से ये प्रक्रिया यदि अपनाई गई कि उसको जो है घंटी के साथ जो है भोजन प्रस्तुत किया गया, तो फिर से जो है वो अनुकूलित अनुक्रिया करेगा, स्वाभाविक अनुक्रिया करेगा, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, स्वतः प्रकटीकरण, यानी दोबारा से प्रकटीकरण होना। उसके बाद देखिए सामान्यीकरण, जब अनुबंधित उद्दीपक, अनुबंधित उद्दीपक क्या है, यहाँ पर घंटी है, उससे मिलता जुलता कोई नया उद्दीपक, मान लीजिए मोबाइल रिंग हो सकती है, प्रस्तुत किया जाए तो उसके प्रति भी अनुबंधित अनुक्रिया होने लगती है, ठीक है। घंटी की तरह ही कोई और उद्दीपक जो कि उसकी तरह की ही आवाज हो, उसको सुनकर भी उसके जो है लार आनी प्रारंभ हो जाएगी, तो इसे कहा जाता है उद्दीपक सामान्यीकरण। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब कुत्ता जो है उसके अंदर विभेदीकरण भी आ जाता है, जब प्राणी को सिर्फ अनुबंधित उद्दीपक यानी घंटी के साथ ही अनुबंधित उद्दीपक भोजन की प्राप्ति होती है, तो वह अनुबंधित उद्दीपक से मिलते जुलते उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करना बंद कर देता है। यहाँ पर बार बार जो है वो चीजें जब उसके सामने होती हैं तो वो घंटी और मोबाइल रिंग, इन दोनों के बीच में अंतर जो है उसको पता चल जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अनुकूलित अनुबंधन सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता, शिक्षा में जो है इस सिद्धांत की क्या उपयोगिता है, तो अनुबंधन द्वारा भय, प्रेम, घृणा आदि के भाव जो है उत्पन्न किए जाते हैं। अब कोई बालक है जिसको भय लगता है कुत्ते से, ठीक है, अब कुत्ता जो है मान लीजिए कि उसके घर के सामने जो है व्हाइट कलर का कुत्ता है, उसको जैसे ही देखता है तो वो घबरा जाता है। अब वो उसके सामने जो है जो भी खिलौने पेश किए जाएं वो भी व्हाइट कलर के ही हो, तो वो उनके साथ अनुबंधन बिठा लेगा और हर व्हाइट चीज से वो डरेगा, क्योंकि कुत्ते से उसको पहले डर लग रहा था जो कि व्हाइट कलर का था, ठीक है। लेकिन कुछ समय बाद जो है जो बच्चा जो है धीरे धीरे जो है उस चीज से भी डरना जो है वो छोड़ देगा, जैसे ही अपने घर में जो भी खिलौने देखेगा वो व्हाइट कलर के हैं, धीरे धीरे जो है उन चीजों से खेलना प्रारंभ कर देगा, और जिस कुत्ते से उसको डर लगता था जो कि व्हाइट कलर का था, व्हाइट कलर को देखते ही डर लग रहा था, तो अब वह उस कुत्ते से भी नहीं डरेगा क्योंकि उसने सफेद चीज जो है उनका स्पर्श कर लिया है, ठीक है। अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग द्वारा चीजें सिखाने में अनुबंधन सिद्धांत जो है उपयोग में लाया जाता है। भाषा को सिखाने और सीखने में विशेषकर वस्तुओं को नामबद्ध करने के लिए ये जो है विशेष उपयोगी है, उचित आदतों, रुचियों, अभिवृत्तियों आदि के समुचित विकास में भी ये उपयोगी है, ठीक है। किसी की भी जो आदतें हैं, जो भी खराब आदतें हैं उनको सुधारने में भी ये जो है प्रयोग में लाया जा सकता है। फिर देखिए सांवेगिक अनुबंधन, संवेग के साथ अनुबंधन कैसे किया जाता है, तो यहाँ पर ये जो प्रयोग है वो किया वॉटसन ने। हमने जब स्टार्टिंग में परिभाषाएं पढ़ी थी तो हमने देखा था कि व्यवहारवादी जो मनोवैज्ञानिक है वॉटसन, तो इन्होंने 1920 में अपने पुत्र अल्बर्ट जो कि 11 माह का था इस पर जो है प्रयोग किया, और प्रयोग जिसका नाम रखा देखिए लिटिल अल्बर्ट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, तो ये याद भी रखिएगा कि वॉटसन के प्रयोग का क्या नाम था। तो देखिए इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले जो है एक सफेद खरगोश जिसमें एक डरावनी आवाज जो है वो उसमें फिट कर दी, तो अल्बर्ट जैसे ही डरावनी आवाज को सुनता तो रोने लगता। अब उसके सामने जो है खरगोश जैसे ही सामने वो रखा जाता वैसे ही वो उसको देखकर रोने लग जाता, ठीक है। फिर केवल सफेद वस्तुओं को इसके सामने रखा गया, खरगोश नहीं थी, खरगोश के अलावा बहुत सारी वस्तुएं जो कि व्हाइट कलर की थी उसके सामने रखी गई, तब भी अल्बर्ट जो है वह रोता, क्योंकि अल्बर्ट ने जो है अनुबंधन कर लिया था किससे, सफेद चीजों से, क्योंकि स्टार्टिंग में वो किससे डर रहा था, खरगोश से डर रहा था जिसकी आवाज बहुत भयंकर थी। अब वो ये सोचने लगा कि जितनी भी सफेद चीजें हैं उनमें से ये डरावनी आवाज आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है संवेगों के साथ जो है वो अनुबंधन किया, किसने, वॉटसन ने। निष्कर्ष निकलता है कि संवेगों का भी अनुबंधन होता है। नेक्स्ट जो थ्योरी है वह है स्किनर की। थॉर्नडाइक और स्किनर दोनों ही अमेरिकन मनोवैज्ञानिक रहे हैं, ठीक है। स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत
ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। पेवलोव की जो थ्योरी है वह है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, और इनकी थ्योरी का नाम है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। इंग्लिश हिंदी दोनों में ही याद रखना है। अमेरिकन मनोवैज्ञानिक स्किनर, जो कि एक मौलिक व्यवहारवादी थे, इनकी जो दो बुक हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म और वर्बल बिहेवियर। ठीक है, सन भले ही आप याद ना रखें लेकिन बुक के नाम आप याद रखेंगे, बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म और वर्बल बिहेवियर। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के कई उपनाम भी हैं, आर टाइप अनुबंधन का सिद्धांत, आर यानी रिस्पॉन्स। अब देखिए, थोंडाई की थ्योरी में हमने देखा कि सबसे पहले उद्दीपक था, उसके बाद अनुक्रिया होती थी उसे देखकर। यहाँ पर अपोजिट है, स्किनर कहते हैं कि पहले जो है अनुक्रिया की जाती है, फिर उद्दीपक की प्राप्ति होती है। इनके सिद्धांत का नाम जो है नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत भी है, अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत। ठीक है, तो ये नाम जो है वो आप याद रखें, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। स्किनर के जो प्रयोग हैं वो हैं महत्वपूर्ण प्रयोग चूहे और कबूतर पर, थोंडाइक का प्रयोग बिल्ली पर है, पैवलोव का प्रयोग जो है वो कुत्ते पर किया गया, और स्किनर का प्रयोग है चूहे और कबूतर पर। इस प्रक्रिया में अधिगमकर्ता को पहले कोई ना कोई क्रिया जो है करनी पड़ती है। तो हमने ये चीज जान ली है कि स्किनर जो है सबसे पहले अनुक्रिया करने को कहते हैं, तो सबसे पहले कोई क्रिया करेगा, और यही अनुक्रिया जो है वो पुनर्बलन उत्पन्न करने में माध्यम का कार्य करती है। ठीक है, क्रिया करने पर ही पुनर्बलन यानी कि रीइन्फोर्समेंट की प्राप्ति होती है। यानी कोई भी जो छोटा बालक है, ये कहते हैं कि कोई भी बच्चा जो है यदि वो काम करता है तो उसके बदले उसको कुछ ना कुछ जो है मिलता है, चाहे वो चॉकलेट के रूप में मिले या कोई उपहार के रूप में मिले। तो यहाँ पर स्किनर कहते हैं कि यदि काम किया जाता है अच्छा तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ मिलता है, यदि काम गलत किया जाता है तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ मिलता है। दोनों ही पॉजिटिव और नेगेटिव जो यहाँ पर रिइंफोर्समेंट जो है वो उनको मिलते हैं। ठीक है, पुनर्वलन प्राप्त होने पर सीखने वाला उसी व्यवहार की पुनरावृत्ति करता है। यदि उसे बच्चा जो है यदि उसे बार बार चॉकलेट दी जा रही है तो वो उस कार्य को और भी अच्छा करेगा। ठीक है, जो भी व्यवहार वो कर रहा है उसकी क्या करेगा, पुनरावृत्ति करेगा कि नेक्स्ट टाइम मुझे और भी ज्यादा मिलेगा, नेक्स्ट टाइम मुझे और भी ज्यादा मिलेगा। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप उसे पुरस्कार प्राप्त होता है। व्यवहार की यह पुनरावृत्ति उसे फिर पुनर्वलन प्राप्त कराती है, और वह फिर अधिक गति से जो है अपने व्यवहार की पुनरावृत्ति करता है। तो आप लोगों को भी यदि किसी चीज से जो है काम करने से फायदा होता है, कुछ ना कुछ प्राप्त होता है, तो आप भी उस चीज को करने को तैयार रहते हैं और उसे बार बार दोहराएंगे। और इस प्रकार से अंत में अधिगमकर्ता जो है वांछित व्यवहार जो है वह सीख जाता है, और इस तरीके से जो कार्य वो पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कर रहा था वो अब वांछित व्यवहार करना सीख जाता है। चूहे पर प्रयोग करने के लिए उन्होंने एक विशेष बक्से के आकार का जो है यंत्र बनाया, जिसे उन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्ष की संज्ञा दी। अब इन्होंने क्या किया कि ये जो कक्ष है इसमें जो है चूहे को बंद कर दिया। इसके सामने जो है एक लीवर था, और इस लीवर को जैसे ही चूहा जो है बजाएगा, इसके ऊपर पैर रखेगा, गेट खुल जाएगा और ये भोजन प्राप्त कर लेगा। यहाँ पर थोंडाई की थ्योरी के ये अपोजिट है। यहाँ पर वहां पहले भोजन दिया गया और उसको देखकर जो है अनुक्रिया की, यहाँ पर भोजन पहले नहीं दिया गया, भोजन इसके सामने नहीं रखा गया, तो चूहे ने उछल कूद करना जो है यहाँ पर करना स्टार्ट कर दिया। अब इसने जब काम कर लिया तो काम करने के बाद जैसे ही गलती से लीवर पर पैर पड़ा और ये गेट खुल गया, तो सामने देखा कि ये भोजन है। ठीक है, जब तक ये इस कक्ष के अंदर था इसको भोजन के बारे में नहीं पता था। यानी कोई भी काम करोगे उसके बदले ही फल मिलेगा, ये बात आप समझिए। तो यहाँ पर चूहे को जो है भूखा रखा गया, उछल कूद की उसने, पाँव इसका लीवर पर पड़ा और भोजन तस्तरी में जो है वो खाना उसको मिल जाता, और बार बार प्रयासों से ये सीख गया। अब ये चूहा ये सीख गया कि मुझे काम करने से जो है ये मिलता है, भोजन की प्राप्ति मुझे कैसे होती है, क्रिया करने से होती है। वहां पर बिल्ली जो है वो काम क्यों कर रही थी, उसको भोजन पहले दिखा दिया गया था और भोजन के लालच में वो काम कर रही थी। ठीक है, तो एक दूसरे के अपोजिट है ये थ्योरी। निष्कर्ष देखिए, भोजन रूपी पुनर्बलन चूहे को लीवर दबाने के लिए प्रेरित करता है, एवं पुनर्वलन के फलस्वरूप चूहा लीवर दबाकर भोजन प्राप्त करना सीख जाता है।
अतः क्रिया प्रसूत अनुक्रिया ऑपरेंट रिस्पॉन्स के बाद पुनर्वलन दिया जाता है, तो प्राणी उस अनुक्रिया को क्या करेगा, बार बार दोहराएगा। इस प्रकार से मिले पुनर्बलन से सीखने में स्थायित्व आ जाता है। ठीक है, इस प्रकार से स्किनर ने प्राणियों के द्वारा किए जाने वाले व्यवहार को दो भागों में विभाजित किया, एक तो उद्दीपन प्रसूत व्यवहार यानी कि स्वाभाविक अनुक्रिया, जिसकी बात जो है वो पैवलोव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये स्पष्ट होता है कि उद्दीपक को जो देखने वाली अनुक्रिया है उसकी बात की जा रही है, और जो कि अनैच्छिक होती है। ठीक है, व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर नहीं होती है। और दूसरी जो व्यवहार है क्रिया प्रसूत व्यवहार, जिसकी बात स्किनर करते हैं, तो ये जो है ऐच्छिक होती है और जो व्यक्ति के नियंत्रण में होती है। और स्किनर ने जो है इस पर बहुत जोर दिया, और इसे जो है वो आर टाइप अनुबंधन भी कहते हैं। इसमें अनुक्रिया का उद्दीपन से जो है वो संबंध स्थापित होता है। फिर देखें स्किनर के अनुसार पुनर्बलन यानी रीइन्फोर्समेंट, जिसे प्रबलन भी कहा जाता है। पुनर्बलन की प्रकृति के आधार पर पुनर्बलन के दो प्रकार जो है बताए स्किनर ने, एक तो है प्राथमिक पुनर्बलन, दूसरा है द्वितीयक पुनर्बलन। प्राथमिक पुनर्बलन वो होते हैं जो कि कैसे होते हैं, जैविक होते हैं, जो कि हमारे जन्म से जुड़े होते हैं, जैसे कि भूख है, प्यास है, काम है और निद्रा है। और ये कैसे पुनर्बलन है, ये प्राथमिक पुनर्बलन है जो कि जैविक होते हैं। ठीक है, यहाँ ये अर्जित किए जाते हैं द्वितीयक पुनर्बलन, जैसे कि मान सम्मान हो गया, पुरस्कार हो गया और पैसा हो गया। और कुछ ना कुछ करने पर ही ये पुनर्बलन की प्राप्ति होती है। यदि भूख लगती है उसके लिए कार्य किया जाता है तो उसके बदले भोजन प्राप्त होता है, तो यहाँ पर ये प्राथमिक पुनर्बलन है। इसी तरीके से प्यास, यदि मेहनत करते हैं और कुएं तक जो है जाकर पानी निकालेंगे तो जो है वहां पर पानी की प्राप्ति होगी और आपकी जो है प्यास बुझेगी। ठीक है, इसी तरीके से काम और इसी तरीके से निद्रा। तो यहाँ पर जो है स्किनर का कहना यही है कि जो प्राथमिक पुनर्बलन जो है भूख प्यास काम निद्रा, और द्वितीयक पुनर्बलन जो कि मान सम्मान पुरस्कार पैसा, ये सब जो है अनुक्रिया करने के बाद ही प्राप्त होते हैं। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप का पूछा गया है अब तक, ये पूछा जाता है कि स्किनर के अनुसार जो प्राथमिक पुनर्बलन है इसमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, भूख प्यास निद्रा मान सम्मान, ऐसे आ जाएगा क्वेश्चन, तो जहां पर आप लोग मान सम्मान को लगाएंगे। इसी तरीके से द्वितीयक पुनर्बलन के बारे में पूछा जाएगा, यहाँ पर एक जो है दे दिया जाएगा मान सम्मान काम पुरस्कार और पैसा, तो ऐसे आप याद रखें। इसके अलावा भी स्किनर ने धनात्मक और ऋणात्मक पुनर्बलन के प्रकार भी बताए हैं। अब ऋणात्मक का मतलब जो है बिल्कुल इस तरीके से नहीं लेना है, गलत गलत तरीके से नहीं लेना है। यहाँ पर धनात्मक का मतलब ये है कि कोई भी काम करते हैं तो हमें जो है अपनी इच्छा के अनुरूप जो है वो चीज़ प्राप्त होती है। ठीक है, और ऋणात्मक पुनर्बलन वो है जिससे कि हमारे सामने जो परेशानी आती है उसको हटा कर हमें जो पुनर्बलन की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो धनात्मक पुनर्बलन है, धनात्मक पुनर्बलन जो है इसमें वे उद्दीपक शामिल होंगे जिसके जो परिणाम निकलेंगे वो कैसे होंगे, सुखद होंगे। वहीं पर ऋणात्मक पुनर्बलन जो है जिसके परिणाम जो है वो कष्टदायक होंगे, पीड़ादायक होंगे। ठीक है, जैसे देखिए प्रशंसा है, मान सम्मान है, पुरस्कार है, धन दौलत है, भोजन है। ठीक है, अब ये कैसे पुनर्बलन है, ये धनात्मक पुनर्बलन है। इनको जैसे ही हम प्राप्त करते हैं इससे सुखद अनुभूति होती है। वहीं पर बहुत तेज जो है वो गर्मी लग रही है, ठीक है, बहुत ज्यादा जो है वो सर्दी लग रही है, तो ये एक कष्टदायक पीड़ादायक पुनर्बलन है जो कि व्यक्ति को प्रिय नहीं होते हैं। तो व्यक्ति के ऐसे कार्य, ऐसी जो अनुक्रिया जो उन्हें पीड़ा देने वाली हो और उद्दीपकों से जो है छुटकारा जो है दिलाती हो या दूर करती हो या उनको बचाती हो, तो ये ऋणात्मक पुनर्बलन होते हैं। जैसे कि हमने देखा कि कोरोना काल में मास्क है, सैनिटाइजर है, इनका प्रयोग जो है वो बीमारी का पलायन करना सिखाती है। हालांकि मास्क सैनिटाइजर हमेशा यूज करना ये जो है व्यक्ति नहीं करना चाहता है, लेकिन फिर भी उसको करना पड़ता है। तो ऋणात्मक पुनर्बलन में जैसे कि हम ठंड से बचने के लिए क्या करते हैं, गर्म कपड़े पहन लेते हैं। ठीक है, और एक्सीडेंट वगैरह ना हो तो हम हेलमेट पहन लेते हैं। ठीक है, गाड़ी चलाते हैं तो हम सीट बेल्ट पहन लेते हैं। तो ये क्या होता है कि इस वजह से जो भी हमें कष्ट होने वाला है उसका पलायन करने के लिए हम ये चीजें करते हैं। ठीक है,
हम देखते हैं कि यदि हम हेलमेट पहनकर नहीं जाएंगे तो हमारा चालान कट जाएगा, तो हमारे अंदर जो भय पैदा हो जाता है तो उसको हटाने के लिए जो है हम इस पुनर्वलन का प्रयोग करते हैं। तो धनात्मक पुनर्वलन वे उद्दीपक जिनके प्रस्तुत होने पर वांछित अनुक्रिया की प्रायिकता में वृद्धि होती है, जैसे प्रशंसा, मान सम्मान, पुरस्कार, धन दौलत और भोजन। तो यहाँ एग्जाम्पल से जो है क्वेश्चन आता है। ऋणात्मक पुनर्वलन वे उद्दीपक जिनके हटाए जाने से वांछित अनुक्रिया की प्रायिकता में वृद्धि होती है, जैसे कि तीव्र गर्मी है, अत्यधिक सर्दी है। पुनर्वलन के प्रकार, तो यहाँ पर अन्य जो है प्रकार भी हैं पुनर्वलन के। सबसे पहले है देखिए सतत पुनर्वलन, सतत का मतलब होता है लगातार। दूसरा है आंशिक पुनर्वलन, यानी कि छोटे छोटे जो है पार्ट में पुनर्वलन देना। अब यहाँ पर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा गया है इनके बारे में कि कौन सा पुनर्वलन जो है वो बेस्ट है, कौन सा अच्छा है जिसे हमें जो है वो प्रयोग में लाना चाहिए। तो सतत पुनर्वलन यानी बच्चे को एक के बाद एक चॉकलेट लगातार देना यदि उसने अच्छा कार्य किया है। अब कोई भी बच्चा जिसको कार्य दिया गया है और उसके बाद जो है जैसे ही वो अच्छा कार्य कर लेता है उसको टॉफी मिल जाती है, चॉकलेट मिल जाता है। जितनी बार वो इस कार्य को करता है उतनी बार जो है उसको चॉकलेट मिलती जाती है। तो अब जो है बच्चा जो है वो कार्य पर ध्यान नहीं देगा, किस पर ध्यान देगा, चॉकलेट पर देगा। तो ये है सतत पुनर्वलन। दूसरा है आंशिक पुनर्वलन, यानी अच्छा काम करने पर मिलेगा उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक, फिर थोड़े समय के बाद पुनर्वलन मिलेगा। अब बताइए इन दोनों में से कौन सा अच्छा रहेगा? तो बिल्कुल आंशिक पुनर्वलन जो है वो अच्छा रहेगा, जो कि काम के बारे में भी याद दिलाता रहे उस बालक को, उसको जो है वो केवल चॉकलेट का जो लालच है वो ना हो जाए। तो यहाँ आंशिक पुनर्वलन ज्यादा कारगर है सतत पुनर्वलन से। आंशिक पुनर्वलन जो है यह भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन से? सबसे पहले देखिए अनुपात पुनर्वलन अनुसूची, वो अनुसूची जिसमें पुनर्वलन दिए जाने का आधार प्राणी द्वारा की गई सही अनुक्रिया की संख्या होती है। यह भी दो प्रकार का होता है। कैसे? निश्चित अनुपात पुनर्वलन अनुसूची और परिवर्त्य अनुपात पुनर्वलन अनुसूची। तो निश्चित अनुपात पुनर्वलन सूची क्या है? प्रत्येक निश्चित संख्या में किए गए अनुक्रिया के बाद पुनर्वलन दिया जाना। तो यहाँ पर जो है अंतराल जो है वो निश्चित कर दिया जाता है, ठीक है, कि जो है इतने समय के बाद जो है इतनी संख्या के बाद जो है वो आपको पुनर्वलन मिलेगा। परिवर्त्य अनुपात पुनर्वलन अनुसूची, तो यहाँ पुनर्वलन देने की अनुक्रिया की संख्या जो है निश्चित नहीं की जाती है। दूसरा है अंतराल, यानी यहाँ पर जो है डिसाइड कर लिया जाएगा कि एक अंतराल के बाद ही पुनर्वलन मिलेगा। पुनर्वलन देने का आधार सही अनुक्रिया नहीं होती है बल्कि समय अंतराल होता है। तो यहाँ पर टाइम पीरियड में बांध दिया जाता है। ये भी दो प्रकार का होता है, एक है निश्चित अंतराल पुनर्वलन अनुसूची और दूसरा है अनिश्चित अंतराल पुनर्वलन अनुसूची। तो जब प्रयोगकर्ता ये निश्चय करता है कि उसे प्रत्येक 15 सेकेंड या फिर 60 सेकेंड के बाद जो है उसको कुछ ना कुछ मिलेगा उसको कार्य करने के बदले में, तो ये है निश्चित, जहाँ पर बिल्कुल डिसाइड है। और परिवर्त्य अंतराल पुनर्वलन अनुसूची, जहाँ पर कोई निश्चितता नहीं है कि उसको काम करने के कितने समय के बाद जो है उसको पुनर्वलन, जो भी रीइन्फोर्समेंट है उसकी प्राप्ति होगी। जब पुनर्वलन देने के लिए कोई निश्चित समय अंतराल ना निश्चित करके अनियमित अंतरालों के बाद पुनर्वलन देता है तो उसको परिवर्त्य अंतराल पुनर्वलन अनुसूची कहेंगे। सबसे अधिक मजबूत पुनर्वलन जो है वो यही होता है, परिवर्त्य अंतराल पुनर्वलन अनुसूची, जहाँ पर बालक को ये ना पता हो, फिक्स टाइम ये ना पता हो कि हमें 15 मिनट के बाद जो है ये जो है जो उसको पुरस्कार मिलेगा वो मिलेगा ही, क्योंकि फिर वो पुरस्कार के लालच में जो है वो समय जो है उस आगे का जो समय है उसके आने का वेट करेगा, वह क्रिया जो करना चाहता है उस पर ध्यान नहीं देगा, ठीक है। तो ये जो बी है परिवर्त्य अंतराल पुनर्वलन अनुसूची, ये सही है। शिक्षा में उपयोग, देखिए शिक्षा में क्या उपयोग है कि कोई जो उद्देश्यों का निर्धारण करने के लिए ये सिद्धांत उपयोगी है, स्वतंत्र शिक्षण पर बल देने के लिए है, अच्छी आदतें जो यदि किसी बच्चे की लगानी है तो ये सिद्धांत जो है उपयोगी है, ठीक है। उनको बोल सकते हैं हम कि आप जो है वो ये कार्य करोगे तो आपको इसके बदले जो है कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। तो बच्चे की जो बुरी आदतें हैं उनको हटाने के लिए जो है शिक्षा में इसका उपयोग कर सकते हैं। अधिगम को स्वरूप प्रदान करने के लिए, बार बार जो है उस क्रिया को यदि करेगा तो वो उस चीज को सीख जाएगा। वांछित अनुक्रिया में सहायक है। अब देखिए 6 नंबर पर है
शेपिंग। शेपिंग क्या होती है? एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा प्राणी में वांछित अनुक्रिया को पुनर्वलन के आधार पर जो है वो प्रोत्साहित किया जाता है। तो इसके जो है दो तत्व होते हैं, एक विभेदी पुनर्वलन होता है और एक क्रमिक उपागम होता है। ठीक है, तो शेपिंग जो है जिसका अर्थ एग्जाम में पूछा जाता है कि ये एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा प्राणी में जो वांछित अनुक्रिया है उसको पुनर्वलन के आधार पर जो है क्या किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है। अगला देखें, टोकन इकोनॉमी, जो कि आपके एग्जाम में आ भी चुका है। टोकन इकोनॉमी ये स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन पर आधारित एक व्यवहार परिमार्जन टेक्निक है। ये एक ऐसी टेक्निक है, वही वाली जो मैंने आपको चॉकलेट की जो बात बताई। इसका उद्देश्य वांछनीय व्यवहार को बढ़ावा देना है। इस तकनीक के अंतर्गत व्यवहारात्मक समस्याओं से ग्रसित लोगों को वांछित विशिष्ट वांछित व्यवहार करने पर पुरस्कार के रूप में एक क्या दिया जाता है, टोकन दिया जाता है। ठीक है, ये टोकन संग्रहित किए जाते हैं और मनपसंद पुरस्कारों से जो है उनका विनिमय किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो टोकन इकोनॉमी है इसका अर्थ यही है कि जो है जितने ज्यादा टोकन जो है अच्छे कार्य करने पर उसके पास इकट्ठे हो जाते हैं, व्यक्ति के पास, बच्चे के पास, तो उसके बाद जो है वो मनपसंद पुरस्कार जो है उसको उसके बदले में दिया जाता है। तो ये क्या है, एक एक तरीके का एक्सचेंज जो है ऑफर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, कार्यक्रमित सीखना। स्किनर के अनुसार शिक्षण की प्रक्रिया ठीक ढंग से तब होती है जब सीखी जाने वाली सूचनाओं को छोटे छोटे चरणों या कदमों में बांटकर उपस्थित किया जाता है। तो ये कहते हैं कि यदि कार्य जो है अच्छे से सीखेगा बच्चा, तो वो कैसे सीखेगा, यदि सीखी जाने वाली सूचनाओं को हम छोटे छोटे चरण या कदमों में बांट दें। शिक्षार्थी को उसके शिक्षण की परिशुद्धता के बारे में तुरंत परिणाम जो है वो ज्ञान दिया जाता है, उसे तुरंत रिजल्ट मिल जाता है, तो उसे पता चल जाता है कि नेक्स्ट टाइम मैं इस काम को करूंगा या नहीं करूंगा। शिक्षार्थी को अपनी गति से सीखने को दिया जाता है। यहाँ पर जो है कोई भी बाउंडेशन नहीं होती है कि आपको जल्दी करना है या लेट करना है, तो उसको अपनी गति के अनुसार ही सीखने का मौका मिलता है। तो यहाँ पर आज हमने दो थ्योरी पढ़ी, एक तो हमने पढ़ा पेवलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, जो कि उन्होंने कुत्ते की जो पैरोटिड ग्लैंड है उस पर प्रयोग किया। दूसरा जो सिद्धांत हमने पढ़ा स्किनर का सिद्धांत, जिसमें उन्होंने चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया, जिसमें चूहे का जो प्रयोग है उनका फेमस रहा। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोग जो है इनके उपनाम जो है वो याद करिएगा। और पुनर्वलन जो हम मैंने बताया आपको कि दो पुनर्वलन होते हैं, एक तो सकारात्मक होता है, एक नकारात्मक होता है, यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक। ठीक है, और वहीं पर सतत पुनर्वलन और आंशिक पुनर्वलन, इनको जो है वो आप अच्छे से याद रखें। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम गेस्टाल्ट की थ्योरी पढ़ेंगे। थैंक यू।